नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट से बहुत ही टेस्टी केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बिस्किट केक आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेटी बिस्किट केक। बिस्किट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर को प्री हीट करेंगे, क्योंकि हम ओवन में नहीं कुकर में केक बना रहे हैं। गैस ऑन कर देंगे। इसके अंदर मैंने एक बड़ी कटोरी नमक लिया है, तो ये नमक फ्रेंड मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो जब भी आप केक बनाएं तो नमक को फेंक के नहीं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप पहले कटोरी रख दें, उसके ऊपर प्लेट रख दें। और अब हम सीटी और रबड़ दोनों हटा देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। फ्रेंड, ये तैयारी आपको केक का बैटर बनाने से पहले ही करनी है। कुकर को प्री हीट और केक टिन को ग्रीस। तो मैंने केक टिन के अंदर बटर पेपर लगाया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ग्रीस करके थोड़ा मैदा भी छिड़क सकते हैं। तो ये दो तैयारी आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। देखिए, केक टिन भी तैयार है। आज मैं मैरीगोल्ड बिस्किट से केक बनाऊंगी। मैं चॉकलेटी केक बनाऊंगी। आप चॉकलेटी केक बनाने में चॉकलेटी बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पैकेट को हम खोल लेंगे। देखिए, मैंने सभी बिस्किट निकाल लिए हैं, अब हम इनको तोड़ लेंगे। देखिए, मैंने सभी बिस्किट तोड़ लिए हैं, अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। उसके लिए मैं मिक्सी का जार यूज़ करूंगी। सभी बिस्किट का पाउडर हमें बनाकर तैयार करना है, पर ध्यान रहे इसमें बिस्किट के टुकड़े नहीं होने चाहिए। आपको एक स्मूथ सा पाउडर बनाना है। देखिए फ्रेंड, मैंने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इस पाउडर के अंदर डाल देंगे हम 1/2 कप शुगर। मैंने पीसी हुई चीनी ली है। मैंने चीनी को मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चॉकलेटी पाउडर 2 चम्मच। मैंने हर्निश चॉकलेट पाउडर यूज़ किया है। आप कोई भी चॉकलेट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें शुगर, चॉकलेट पाउडर और बिस्किट तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए, मैंने सभी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ली है। अब मैंने 1 कप दूध लिया है। मैंने नॉर्मल दूध लिया है, ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। तो मैंने 1 कप दूध लिया है अभी, और इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए, पूरा 1 कप मैंने दूध डाल लिया है। अब हम थोड़ा सा दूध और ले लेंगे, 1/2 कप के करीब। तो दूध और डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड, केक का बैटर बनकर तैयार है। इसमें 1.5 कप दूध लग गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और दूध यूज़ करेंगे। अब मैंने कुछ काजू बादाम लिए हैं, जिसमें 5-7 काजू और 5 से 6 बादाम थे, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, वरना ना डालें। अब हम ये काजू बादाम चम्मच से मिक्स करेंगे। विस्कर से हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने चम्मच का यूज़ किया है। और बहुत ही धीरे धीरे हमें अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। मैंने 1 पैकेट लिया है, मैंने ग्रीन वाला पैकेट लिया है फ्रेंड, आप ब्लू वाला पैकेट भी ले सकते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा दूध और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पर ध्यान रहे हमें बहुत ही धीरे धीरे से मिक्स करना है, एकदम तेज़ मिक्स नहीं करना है। तो बस इसी तरह मिक्स कर लेंगे। मुझे केक का बैटर जो है वो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालूंगी। इस तरह फ्रेंड, इस केक के बैटर को बनाने में मेरा 2 कप दूध लग गया है। देखिए, केक का बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम केक टिन के अंदर ये बैटर डाल देंगे। देखिए, इस तरह से डाल देंगे। और अब हम केक को बेक करेंगे। हमारा कुकर भी प्री हीट हो गया है, थोड़ा सा टैप कर लेंगे और अब हम इसे बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और
केक टिन को हम कुकर के अंदर रख देंगे। और अब हम कुकर को ऊपर से कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे। ध्यान रहे सीटी और रबड़ दोनों हटा देने हैं हमें केक को बेक करते वक्त। और अब हम इसे 25 मिनट तक बेक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 25 मिनट बाद हम केक को वापस से चेक करेंगे। देखिए केक तो हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई है, पर अब हम देखते हैं अंदर से भी ये पकी है या नहीं। कोई भी टूथपिन से हम इसे या नाइफ से आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं केक अंदर से अभी पकी नहीं है और टूथपिन में जो है लगकर आ रही है केक। तो अब हम कुकर का ढक्कन वापस से बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट तक और बेक करेंगे। आप 35 से 40 मिनट तक केक को बेक करें। मैंने 35 मिनट किया है और अब हम इसे वापस से चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं केक जो है बहुत ही अच्छे से फूल गई है और बहुत ही अच्छी बनी है। और अब हम टूथपिन से इसे वापस से चेक करेंगे। देखिए केक हमारी बन गई है, हल्की सी ये टूथपिन गीली थी वो ही लगी है। और अब हम गैस को तो बंद कर देंगे, पर कुकर के हम ढक्कन वापस लगा देंगे और 5 मिनट तक इसे इसी तरह रहने देंगे। 5 मिनट बाद हम केक को निकालेंगे। मैंने 5 मिनट बाद केक को निकाला है, केक को ठंडा होने देंगे। देखिए केक जो है बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम चक्कू की सहायता से इसकी साइड छुड़ा लेंगे ताकि केक जो है हमारी बहुत ही आसानी से बाहर निकल आए। अब हम एक प्लेट लेंगे, उल्टा रखेंगे और उलट देंगे इसे इस तरह से, और केक टिन को टैप करेंगे हल्का सा। देखिए बटर पेपर लगाने से ये होता है कि केक जो है केक टिन में चिपकती नहीं है और बहुत ही आसानी से निकल आती है। देखिए हमारा चॉकलेटी केक बहुत ही अच्छा बना है, काफ़ी फ्लफी बना है, काफ़ी सॉफ्ट बना है। फ्रेंड मैं इस केक को आपको काट के नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने ये केक एक बच्ची के बर्थडे के लिए बनाया है। तो अगर मैं काट दूंगी तो फिर वो क्या काटेगी, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। पर केक जो है बहुत ही अच्छा और जालीदार बना है। आप एक बार इस तरह से केक ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह बिस्किट केक कैसा बना। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।